हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे डिज़ास्टर का जिसके वजह से हम हाईली रिक्स पे है। डिज़ास्टर एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको हम चाह के भी रोक नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कैपेसिटी के बाहर होता है। हर एक एक्सीडेंट और इंसिडेंट डिज़ास्टर नहीं हो सकता क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स को हम अपने कैपेसिटी में सावधानी से रहे तो उसको रोक सकते हैं, पर डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बियॉन्ड कैपेसिटी होता है और उसको रोकने से उसको होने से कोई नहीं रोक सकता, पर अगर हम चाहे तो उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सो आज मैं जिस डिज़ास्टर के बारे में बात करने वाली हूँ वो है अर्थ। आप सब लोगों को पता है कि जियोग्राफी के लिए हम हाईली रिक्स पे हैं क्योंकि अर्थक्वेक जोन 5 में आते हैं हम। इनफैक्ट एंटायर नॉर्थ ईस्ट अर्थक्वेक जोन 5 में आता है और ये हमारे लिए बहुत बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो अर्थक्वेक होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में घर्षण के वजह से, और इस वजह से जो वाइब्रेशन होता है उसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आप और हम जिस ज़मीन के ऊपर खड़े हैं वहाँ पे कभी भी और कहीं भी ऐसे वाइब्रेशन के वजह से हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि अर्थक्वेक से घबरा के हमें घर पे बैठ जाना चाहिए, पर एटलीस्ट क्योंकि हम हाई रिस्क पे है तो हमें उतना ही सावधान होना चाहिए और हमारी प्रिपरेशन उतना ही बेहतर होना चाहिए ताकि जब भी अर्थक्वेक आए तो हमारा नुकसान कम से कम हो। आजकल हम जब भी घर से निकलते हैं तो चारों तरफ हमें नया नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसे देखने को मिलता है, और हमारे चारों तरफ कंक्रीट की बिल्डिंग की जंगलें बन चुकी होती है। पर क्या उन बिल्डिंग के ओनर्स ने कभी अर्थक्वेक जोन को ध्यान पे रख के कंसिडरेशन पे लेके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया होगा? और अगर नहीं किया होगा तो उनको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हम हाई रिस्क पे है तो जब भी हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो हमें अर्थक्वेक को ध्यान पे रख के ही हमारा बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना चाहिए। सो अर्थक्वेक जोन पे घर बनाने के लिए हमको कुछ बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करने ज़रूरी है, और उन गाइडलाइंस को फॉलो करने से शायद आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बच जाए। मैं ये नहीं कहती कि अर्थक्वेक जोन पे अगर इतना बड़ा भूकंप आया तो आपका बिल्डिंग कलैप्स होने से बच जाएगा, पर आपको कम से कम इतना टाइम मिलेगा कि आप घर से निकल सको और अपना जान बचा सको। आजकल हमें काफ़ी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग देखने को मिलते हैं बहुत सारे डिज़ाइन और बहुत सारे शेप के साथ, पर क्या आपको पता है कि अर्थक्वेक जोन पे सिर्फ दो डिज़ाइन के ही बिल्डिंग्स अलाउड है, वन इज़ स्क्वायर एंड वन इज़ रेक्टेंगल। अर्थक्वेक के वजह से जो लोड क्रिएट होता है उस लोड को हमारा बिल्डिंग पिलर के थ्रू, शेयर वॉल के थ्रू ग्राउंड तक पहुँचाता है, पर आजकल पार्किंग के नाम पे नीचे का फ्लोर में हम लोग वॉल नहीं यूज़ करते हैं जिस वजह से हमारा बीम और कॉलम जॉइंट में क्रैक हो सकता है। तो अगर आप अपना बिल्डिंग को क्रैक होने से बचाना चाहते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे ज़रूर शेयर वॉल यूज़ करें सो दैट आपका बिल्डिंग उस लोड को मिट्टी तक पहुँचा सके। सो रेनफोर्समेंट हो या पिलर का साइज हो या स्टीरअप का डिज़ाइन हो, मेटेरियल हो, एवरीथिंग, हर वो चीज़ जिससे हम बिल्डिंग बनाते हैं उसको अर्थक्वेक को कंसिडरेशन पे लेके ही बनाना चाहिए। और इस वजह से आपको किसी इंजीनियर के साथ ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए बिफोर कंस्ट्रक्शन योर हाउस, क्योंकि उस घर पे आप रहने वाले हो, आपके बच्चे रहने वाले हैं, आपके माँ बाप रहने वाले हैं, और अगर आप किसी इंजीनियर से कंसल्ट किए बिना घर बनाते हो तो ऐसे में आप अपने फैमिली के लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। और सिर्फ मटेरियल ही नहीं बल्कि और कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें थोड़ा कंसिडरेशन पे लेना चाहिए, जैसे हमारा लोकेशन। अगर आपका घर नदी के करीब है या किसी बड़े से वेटलैंड के करीब है तो आपको अपनी बिल्डिंग की फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को और बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा घर नदी से 1 किलोमीटर के दूरी पे है और मुझे 3-स्टोरेड बिल्डिंग बनानी है, और अगर आपका घर नदी के 100 मीटर रेडियस के अंदर है और आपको भी सेम 3-स्टोरेड बिल्डिंग बनानी है, तो आपके डिज़ाइन पे और मेरे डिज़ाइन पे थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए क्योंकि आपका बेयरिंग कैपेसिटी मेरे बेयरिंग कैपेसिटी से थोड़ा कम है। हो सकता है कि आपने घर बनाते समय सारे सेफ्टी फीचर्स को कंसिडरेशन पे रख के ही घर बनाया हो, लेकिन आपके पड़ोस में आपके पड़ोसी शायद जो घर बना रहे हैं उस पे उन्होंने कोई भी सेफ्टी फीचर्स को कंसिडरेशन पे नहीं लिया है, और ड्यूरिंग अर्थक्वेक आपके पड़ोसी का बिल्डिंग आपके बिल्डिंग के ऊपर गिर के आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए।
तो ऐसे में सिर्फ कुछ लोगों के समझने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, हमें सोसाइटी एज ए होल, ईच एंड एवरी पर्सन को ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग हाई रिस्क पे है और हमें हमारे रिस्क को कंसिडरेशन पे रख के ही सारे काम करने चाहिए, सो देट हमारा इम्पैक्ट या डैमेज थोड़ा सा कम हो। और सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही नहीं, और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जिस वजह से हम और रिस्क पे रहते हैं, जैसे फॉलिंग हैजर्स। तो फॉलिंग हैजर्स वो चीज़ें होती है जो हम अपने घर पे एज ए फर्नीचर रखते हैं, जैसे हमारे अलमिराज होते हैं, वॉल पे टंगी हुई हमारी बड़ी सी पेंटिंग हो सकती है, या फिर हमारा बुकशेल्फ भी हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि आपकी की वजह से आपकी बिल्डिंग को तो कुछ नहीं होता, आपके पड़ोस में भी किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन आपके घर के फॉलिंग हैजर्स आपके ऊपर गिर के आपको बहुत सारी चोट आई हुई होती है। तो ऐसे में इन फॉलिंग हैजर्स को भी हमारे लिए रिक्स माना जा सकता है, और इस रिक्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं इजी ट्रिक के सहारे। तो 2015 में मैं जब एडिशनली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ काम कर रही थी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट काछार के साथ में काम कर रही थी, तो तब हमने एक प्रोग्राम किया था, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम किया था, उसका नाम है फॉलिंग हैजर्ड मिटिगेशन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम पे मैं एज ए मेंबर काम कर रही थी, और उस प्रोग्राम पे हमने गवर्नमेंट स्कूल काछार डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट 14 और 15 स्कूल में हमने जो फॉलिंग हैजर्ड्स थे उनको हमने मिटिगेशन प्रोग्राम के थ्रू वॉल के साथ फिक्स किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अक्सर स्कूलों में जाते हैं और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर के ठीक पीछे हमें अलमिराज मिलते हैं। किसी भी ऑफिस पे आप जा सकते हैं और आपको देखने को मिलता है कि स्टाफ जहाँ पे बैठे हुए होते हैं पीछे अलमिराज होती है, और वो अलमिराज डॉक्यूमेंट से भरे हुए होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आर्थक्विक आए और वो अलमिराज आपके सर पे गिरे और आपको चोट आ जाए? तो बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज़ को कंसिडरेशन पे रखते हुए 2015 पे हमने काफ़ी 14-15 स्कूलों में जाके हमने मिटिगेशन प्रोग्राम किया, और वहाँ पे हमने कुछ क्लैम के सहारे अलमारीज़ को एंड स्पेशली ब्लैक बोर्ड्स को हमने वॉल के साथ फिक्स किया। सो ऐसे क्लेम का यूज़ आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, अपने अलमिराज को भी आप फिक्स कर सकते हैं वॉल के साथ, एंड स्पेशली बेड के सामने या बेड के ऊपर ऐसे बड़े बड़े पेंटिंग्स को ना रख के, थोड़ा दूर रख के भी हम इस रिस्क से थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। सो आर्थक्विक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए आपको करना है किसी एक अच्छे इंजीनियर के साथ कंसल्ट। जहाँ तक मैं जानती हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट पे काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स मौजूद हैं, आप किसी के भी साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके नॉलेज पे कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो, मैं खुद आपको कॉन्टेक्ट करा के दे सकती हूँ। सो गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं इसका मैं बहुत कोशिश करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, एंड प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आर्थिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में या फिर जो गाइडलाइंस है उसके बारे में आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए, तो ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके गाइडलाइंस को आप मेरे वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।